आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे सार्थक दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सफल हो गया। एक संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 24 जिलों में जो नर्मदा मैया के नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आते हैं, कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आते हैं, लाखों लोग निकल पड़े हैं पेड़ लगाने के लिए। समाज के हर वर्ग के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग, शासकीय गैर शासकीय, नौजवान बेटे बेटियां, बुजुर्ग माताएं बहनें, किसान, गरीब मजदूर, मीडिया के मित्र सब इस महाभियान में जुड़ गए हैं। एक अद्भुत काम आज मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। नर्मदा मैया पेड़ों की जड़ों का प्रसाद है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। वो कल कल छल छल करके अविरल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनके बेसिन में, कैचमेंट एरिया में व्यापक पैमाने पर वृक्ष रहे। नर्मदा सेवा यात्रा का यह संकल्प था कि दोनों तटों पर और तट कम पड़े तो कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। आज उसी अभियान के तहत वृक्षारोपण का काम संपन्न हो रहा है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है, दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है। पेरिस समझौता हुआ है कि धरती की सतह का तापमान ना बढ़े, 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का खतरा है। दुनिया करे ना करे, लेकिन दुनिया वालों मध्य प्रदेश ने कर दिया।